वेब सीरीज रफू चक्कर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। सीरीज के साथ मनीष पॉल ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। सीरीज के डायरेक्टर रतन श्रीवास्तव हैं। शाहरुख खान और विक्की कौशल की हालिया रिलीज हुई फिल्म जराट के जोरा बच के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। विक्की से सारा के साथ काम करने के उनके अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सारा की जमकर तारीफ की। मेगा बजट फिल्म आदिपुरुष की रिलीज का काउंट डाउन शुरू हो गया है। 6 मई को फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस इवेंट को ग्रैंड बनाने के लिए जितने पैसे खर्च किए गए वो फिल्म की लीड एक्ट्रेस कृति सेनन की फीस होनी चाहिए। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी अब फिल्म प्रोड्यूसर बन गए। धोनी के प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट में पहली बार फिल्म लेटेस्ट गेट मैरिड का टीजर रिलीज हो गया। कार्तिक आर्यन हाल ही में अपनी को स्टार सोनाली सहगल की शादी में शामिल हुए जहां उन्हें चप्पल पहने हुए देखा गया। वेडिंग के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस सिक्स फेम सना खान जल्दी मां बनने वाली है। अपने आने वाले बच्चों को लेकर सना काफी एक्साइटेड है। हाल ही में सना ने पैपराजू से बातचीत के दौरान अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी जानकारी दी। सारा अली खान ने हाल ही में मीडिया इंटरव्यू में किसी क्रिकेटर से शादी करने की संभावना पर खुलकर बातचीत की। अब सारा ने कहा कि उनके लिए उनके पार्टनर का परफेक्शन मायने रखता है। फिल्म प्यार का पंचनामा फेम एक्ट्रेस सोनाली सहगल ने आज अपने ब्लॉग टाइम बॉयफ्रेंड आशीष सरजानी से शादी कर ली है। दोनों ने मुंबई में एक गुरुद्वारे में साथ में ले लिए। एडवेंचर शो मैन वर्सेस वाइल्ड के होस्ट बियर ग्रिल्स ने इंडियन फैंस को खुश करने के लिए उन्होंने हाल ही में कहा है कि अपने शो में प्रियंका चोपड़ा और विराट कोहली को गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहते हैं। अजय देवगन स्टार फिल्म मैदान में एक बार फिर से पोस्टपोन कर दी गई। फिल्म 23 जून को रिलीज होने वाली ये सातवीं बार है जब फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाएंगे।